नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत जब शिखर पर था तो स्पिरिचुअलिटी के कारण था, आज भी दुनिया भारत को उसी एंगल से देखती है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रिकनेक्ट रिचार्ज एंड रिजुविनेटिंग सीरीज की राष्ट्रीय लॉन्चिंग। NCR से जुटे कई फाइनेंस प्रोफेशनल्स। हरियाणा के अंबाला में ब्रह्म कुमारीज द्वारा मेरा भारत मेरी जान मिनी मैराथन का आयोजन। देश प्रेम जगाने और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फाइनेंस मामलों से जुड़े CA, CSN, CMA प्रोफेशनल्स के लिए रिकनेक्ट रिचार्ज एंड रिजुविनेटिंग कार्यक्रमों की राष्ट्रीय लॉन्चिंग। भारतीय लेखाकार संस्था के अध्यक्ष P. राजू अय्यर, प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार के उपाध्यक्ष विजेंद्र शर्मा, ब्रह्म कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, ORC की निदेशिका BK आशा समेत कई बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। फाइनेंस प्रोफेशनल्स के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने के मकसद से आयोजित इस 2 दिवसीय रिट्रीट की अध्यक्षता करते हुए BK आशा ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था पिछले 85 वर्षों से आध्यात्मिक मूल्यों के आधार से भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का प्रयास कर रही है। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी अपने श्रेष्ठ आचरण द्वारा भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में अपना सहयोग दें। इसके पश्चात सभा में मौजूद अतिथियों ने भी अपने कीमती अनुभव शेयर किए। आजादी का जो अमृत महोत्सव का जो है, तो यहाँ पे हमने एक अमृत तुल्य जो बाड़ी है वो सुना और अपने अंदर इन्वॉल्व किया, और आगे जाके इसको जो यहाँ से लिया है, जो हमने सुख का और जो भी हमने यहाँ से ज्ञान लिया है, आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमें ही नहीं इस हमारे पूरे राष्ट्र को इसका अनुभव मिले। संस्थान के अंदर कितना खिंचाव है, कितनी शुद्धता है। आप चाहे इस ऑडिटोरियम को देखिए, चाहे हमने अपने रूम को देखा, चाहे जहां हमने भोजन प्रसाद प्राप्त किया वहां देखा, हर कहीं शुद्धता, पवित्रता। और ये बड़ी अच्छी कहावत है कि परमात्मा भी वहीं वास करते हैं जहां पवित्रता है। एक शुरुआत हुई है और मैं आप सब लोग को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे संस्थान की साइड से, कॉस्ट अकाउंट इंस्टीट्यूट की साइड से, हम लोग भी सभी लोग जो हमारे मेंबर थे, सब लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब ये प्रोग्राम और बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए था। और हम अगले आज खुद आए हैं, अगर हमें ये पहले पता होता हम अपने 10-20 लोगों को और लेकर के आएंगे। तो अब हमें अगला जो टारगेट है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सब संस्था के साथ में जुड़ करके हमारे विश्व भर में या इंडिया के अंदर में जितने भी हमारे ब्रांच, हमारे चैप्टर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, उसमें हम ओम शांति की तरह से ब्रह्म कुमारी जी को साथ में लेकर चले। चॉइसेस तो बहुत हैं, फैसिलिटी है, चॉइसेस मींस यू कैन ऑप्ट एनीथिंग, दैट मींस यू हैव फैसिलिटी टू चूज इट आल्सो, बट यू डोंट हैव, आफ्टर चूजिंग इट आल्सो यू डोंट हैव हैप्पीनेस, व्हाई? उसके बारे में सोचा नहीं है। और जब हैप्पी सिटीजन भी हैप्पी नहीं है तो देश में कोई स्थिरता या देश में देश उन्नति और बढ़ ही नहीं सकता। When I started doing the meditation long time back, there were 3 things that happened to me. एक था कि I just simply became at peace with my own self. That was the most important part. And not only that, I became at peace with myself, but it also improved my relationship with people around me. And the third part that happened was that the anger that was there in me, the kind of impatience that I had, I suddenly found that that anger was not really there. इसके पश्चात BK ब्रिजमोहन ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्णिम दुनिया बनाने में आप प्रोफेशनल्स का योगदान महत्वपूर्ण है। 3 संस्थाएं मिलकर कुछ सोच करना शुरू हुआ है तो उसका रिजल्ट जरूर अमृत ही निकलेगा,
क्योंकि ये जो हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं इसमें महत्व अमृत का है, और अमृत का मतलब ये होता जो शाश्वत है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो भारत को अमर लोक बनाने के लिए अति आवश्यक है। इस पूरे रिट्रीट में वर्क विदाउट स्ट्रेस, अर्निंग ब्लेसिंग्स, कनेक्ट योरसेल्फ, रिचार्ज योरसेल्फ थ्रू मेडिटेशन, रिजुविनेट योरसेल्फ थ्रू इनर पावर जैसे विषयों पर ORC की फैकल्टी ने वर्कशॉप्स कराई। मुझे कोई प्यार नहीं करता, कैसी स्टेटमेंट है? मैं प्यार पाने के काबिल बनू ना, इतनी काबिल बनू जो मुझे स्वतः सबका प्यार मिले। देश प्रेम और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हरियाणा में अंबाला कैंट सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत मेरी जान मिनी मैराथन आयोजित की गई। 6 किलोमीटर की इस मिनी मैराथन में 200 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनका उत्साह वर्धन करने पहुँचे हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। समय समय पर और भी कई कार्यक्रम ये आयोजित करते रहते हैं। मैराथन से पहले ब्रह्म कुमारी संस्था में स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जगबीर और सीनियर राजयोग टीचर बीके आशा ने सभी प्रतिभागियों को माइंड पावर बढ़ाने के टिप्स दिए। मैराथन में भाग लेने आए प्रतिभागियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी 18 से 35 साल, दूसरी कैटेगरी 35 से 70 साल, तीसरी कैटेगरी गर्ल्स कैटेगरी। पहली कैटेगरी में अमरप्रीत विजेता रहे, दूसरी कैटेगरी में शिवी और तीसरी कैटेगरी में रिम्पी विजेता रही, जिन्हें अतिथियों द्वारा मेडल, सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स प्रदान किया गया। अब कुछ खबरें एक नजर में। जयपुर के जादव नगर सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन माला का आयोजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सनुसुइया की प्रेरणा से आयोजित हुआ कार्यक्रम। इंदौर के राजयोग शिक्षक बीके राखी ने उजागर किया भगवद गीता का आध्यात्मिक रहस्य, कहा ईश्वर की याद में किया गया हर कर्म होता है सफल। सैकड़ों लोगों ने लिया इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा बगवा सेवा केंद्र, स्थानीय प्रशासन और रेड क्रॉस संस्था के सहयोग से आयोजित किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। शिविर में जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल और विधायक अरुण कुमार रहे मुख्य अतिथि। कर्नाटक के चिकमगलूर स्थित ज्ञान प्रकाश भवन में संतों के लिए कार्यक्रम, समाज उत्थान और अध्यात्म के प्रचार प्रसार में संतों का योगदान रहा चर्चा का विषय। जिले के जाने माने संतों ने किया दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने की सभी संतों की महिमा। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते घोषित रंगोली प्रतियोगिता के तहत कई सेवा केंद्र पर देशभक्ति थीम पर सजाई गई झांकी, चलिए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें, और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।